बीपी का ढाबा। बीपी का ढाबा में आज हम बना रहे हैं चीटोस पोटैटो बाइट्स। चीटोस पोटैटो बाइट्स, आपने सही सुना है। चिकन की तो मैंने बहुत सी डिशेस बनाई, चीटोस मैंने चिकन में भी बनाए। अब वेजिटेरियन को शिकायत थी, वो कह रही थी कि आप चीटोस की को वेजिटेरियन चीटोस बनाए, तो फिर मैंने ये पोटैटो के बना रही हूँ। तो चले आए फिर देखते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और ये किस तरह से बनता है। अऊज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास आधा किलो आलू है जिसको मैंने उबाल के मैश कर लिया है। मेरे पास रेड चीटोस फ्लेमिंग हॉट, मैंने इसको भी चॉपर में अच्छी तरह से पीस लिया है और ये 50 रुपीज़ का पैकेट आता है, मैंने वो लिया है। इसके साथ मैंने लिया है एक अंडा, इसको थोड़ा सा नमक डाल के इसको बीट कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है और मैंने ये लिया है इसकी कोटिंग के लिए ऑल पर्पज़ फ्लावर, 4 टेबलस्पून लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है और थोड़ा सा इसमें नमक डाला है। ये हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे ताकि ये क्योंकि इसके ऊपर स्पाइसेस लगेंगे चीटोस, तो हम लोग इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स बहुत कम डालेंगे। तो पोटैटोज़ मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टी स्पून सॉल्ट, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई, 1/4 टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर और हरा प्याज का ग्रीन पोर्शन और वाइट पोर्शन मैंने बहुत बारीक चॉप किया है वो इसमें डाल रहे हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून है, और थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून इसमें डाल रहे हैं। आप इसमें बेल पेपर भी बारीक चॉप की भी डाल सकते हैं, उससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये पोटैटो हमारे बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं चीटोस है इसमें से मैं कुछ पोर्शन इसका एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि लगाते हुए मेरे सारे जो क्रम्स हैं वो ज़ाया ना हो, क्योंकि इसमें अंडे के साथ ये स्टिकी हो जाएंगे, फिर इसकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी। हाथों पे हम ऑयलिंग कर लेंगे, या अगर ऑयलिंग नहीं करनी तो आप पानी लगा लें, मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे बाइट्स बना लें और इसको हम इसमें रोल करेंगे अच्छी तरह से ताकि इसकी कोटिंग इसके ऊपर हो जाए, वरना फ्राई करते हुए आलू खुल जाएंगे। अब हम इसको डालेंगे अंडे में। अंडे में से जब इसको निकालेंगे तो इसका जो एग है एक्स्ट्रा वो हम ड्रिप कर लेंगे, उसके बाद हम इसको डालेंगे चीटोस में। चीटोस क्रम से इसको अच्छी तरह से हम कवर करेंगे और इसको प्लेट में रेस्ट पे रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी सब भी बना लेंगे। पोटैटो बहुत अच्छी तरह से मैश हुए हैं इसलिए इसमें कोई क्रैक नहीं आ रहा। आपने भी इस तरह अच्छी तरह से पोटैटो मैश करने हैं। आप इसके अंदर चीज़ की फिलिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मोज़रेला चीज़ की। और ये हमारे पोटैटो बाइट्स, चीटोस पोटैटो बाइट्स रेडी हो गए हैं फ्राई करने के लिए। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर पे दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी कोई आधा घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से इसको सेटल्ड हो जाए इसे क्रम्स। और मैंने इसमें 4 जो हैं वो मैंने दूध की कोटिंग के साथ बनाए हैं, यानी जो जो एग इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो एग की जगह दूध की कोटिंग करें, यानी फ्लावर में रोल करें और उसके बाद फिर उसे दूध में कोट करें और फिर उसके बाद चीटों से क्रम्स में करें। तो आपको मैंने दोनों तरह से ये करना बता रही हूँ। तो आए फिर इसको हम फ्रिज में रखते हैं कोई 1/2 आवर के लिए और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रिज में से मैंने ये निकाल ली हैं अपने चीटोस बाइट्स, पोटैटो चीटोस बाइट। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और मैंने ऑयल गरम किया है, एक कढ़ाई ली है उसके अंदर से डीप फ्राई करूँगी। तो हमने ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल को जलाना नहीं है वरना ये फौरन जल जाएंगे। इसको हम डीप फ्राई करेंगे लेकिन हम बर्तन में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना इसके जो क्रम्स हैं वो निकलने का खतरा होगा। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि आलू तो इसमें गले हुए हैं, तो बस हमने हल्का सा इसको एक दफ़ा 1 मिनट के लिए बस करें और इसको निकाल लें वरना इसका रेड कलर ख़त्म हो जाएगा, इसके क्रम्स जो है वो जल जाएंगे। ये हमारे बहुत अच्छे से चीटोस पोटैटोस बाइट्स रेडी हो गई हैं।
चीटोस पोटैटोस कटलेट्स, आप इसको बनाएं और इंजॉय करें, क्योंकि आलू तो हर घर में पाए जाते हैं। किसी वक्त चिकन खाने को दिल नहीं चाह रहा तो आप ये ना, और मैं इसको खा कर देखती हूँ। बहुत अच्छे बने, मुझे ऐसे लग रहे थे फिश के कटलेट्स होते हैं ना, उसके वैसा टेस्ट आ रहा है। बहुत मज़े के हैं, आप भी बनाएं इसको और अपने मेन्यू में शामिल करें। और अब हम फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ, बहुत अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने दुआ। When you take the lips to try